में कुछ गलत भी नहीं था खान साहब। भाई सुनिए तो सही, हुआ क्या है, उन्होंने कहा कि भाई हमने ये फंक्शन के लिए सिर्फ 1 घंटा रखा है, अच्छा तो आधा घंटा ये पॉप सिंगर गालेंगे, आधा घंटा उस्ताद मोहतरम गालेंगे। भाई इसने इसने ऐसा चालाक आदमी है, 55 मिनट तक ये गाता रहा है, हट नहीं रहा। हाँ सब, इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरे हर गाने में तो लोग कह रहे थे वन समोर, मैं दोबारा गाने लग जाता था तो लोग गाने पर उछलने लग जाते थे। ये कौन सा बड़ा कारनामा है, किसी के पाँव में पटाखा मार दे वो भी उछलना शुरू कर देता है। जो उछलते हैं वो बरसते नहीं। क्या गए नहीं। अब देखिए देखिए, 55 मिनट तक ये गाता रहा है, और साथ इसलिए वो अपना चुकनाइजर भी लेके गया हुआ था, वो जो लड़का बैठा हुआ है। कौन लेके गया था खास साहब? चुकनाइजर। चुकनाइजर क्या होता खास साहब? जो लोग नोट फेंक रहे होते हैं नीचे से, जो उठा रहा होता है उसे चुकनाइजर कहते हैं। वो बैठा है लड़का, और वो है सारा माल जो इन्होंने उस तकरीब से इकट्ठा किया है, वो देखिए। हाँ साहब, मेरे गाने पे लोगों ने पैसे फेंके तो मैंने उठाने ना, आपके गाने पे तो नहीं फेंके। झूठ झूठ बकवास। लोग सिर्फ इसलिए नोट फेंक रहे थे कि उनको मालूम था उस्ताद मोहतरम आ रहे हैं तो सारे फर्श पे नोट बिछे होने चाहिए। हाँ साहब, मगर परफॉर्म तो वो कर रहे थे ना भाई। मगर उन्होंने इसी नीयत से फेंके थे कि इतने बड़े उस्ताद आए हुए हैं तो खाली खाली जगह नहीं होनी चाहिए, उनके आने से पहले पूरे फर्श पे नोट बिखरे होने चाहिए। मगर इस जालिम ने हमारे आने से पहले सारे नोट उठा लिए। हालांकि फरीद साहब, वो जो ऑर्गेनाइजर था, उसने आके हमें कान में कहा है, इन्हीं नोटों पे चल के अगर हो सके तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई चुकनाइजर नहीं है। ओ खान साहब, नोटा दे उत्ते तुरना जुर्म है, इन्हां नूं अंदर कराओ जी, परचा कराओ इन्हां ते। क्या मतलब? वो उन्होंने हमारी इज्जत में वो नोट बिछाए थे। देखिए देखिए फरीद भैया, 1 घंटे का टाइम था फंक्शन का, ठीक है, जो उन्होंने हमें दिया था, और ये ऐसा कूड़ आदमी है, स्टेज पे जाके 10 मिनट तो अपने इस बेसुरे सास को मेलता रहा है। हाँ साहब, इसको सेट करके ही गाना होता है। ये सिर्फ डाइनिंग रूम के कोने में सेट किया जाता है, इसे क्या सेट करने की जरूरत है। सेट तो हमारे साजों को किया जाता है, रंगी सेट की जाती है, तबला सेट किया जाता है, इसको क्या सेट करना। और 10 मिनट के बाद 15 मिनट तक सिर्फ म्यूजिक बजाते रहे हैं। गाओ और अपना काम खत्म करो। हाँ साहब, म्यूजिक बजा के पंडाल का माहौल बनाना होता है, उनको गरमाना होता है। गाया तो मैंने सिर्फ 30 मिनट ही है। हाँ तो 30 और 25 55, और हमें बाकी मिले 5 मिनट। उस्ताद मोहतरम जहाँ बैठे हो, 5 मिनट में तो ये सिर्फ आधा उठते हैं। आप बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सके खान साहब। यही 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 तो हम दुख भरी दास्तान सुना रहे हैं। जब उस्ताद मोहतरम का हाथ पकड़ के हम स्टेज के पास पहुंचे, वो कैटरिंग वाले ने कह दिया कि बस भाई बस, स्टेज उठाने लगी है, मत आइए स्टेज के ऊपर। हमने कहा भाई हम फनकार हैं, अब हमने फन का मुजाहिरा करना है। कहते हैं जी टाइम के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, हम आपके कहने पे नहीं काम करेंगे। अच्छा। उन्होंने स्टेज उठाना शुरू कर दिया। हमने सोचा हम कौन से स्टेज के मोहताज हैं, असल फनकार को स्टेज की जरूरत ही नहीं होती। वो तो फट्टे पे बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए, अपना फन पेश कर देता है। क्या कहने? हमने हमने गुस्से में माइक स्टेज से उठा लिया और नीचे जमीन पे ही उस्ताद मोहतरम के आगे रख दिया। फिर क्या बचे, मैंने मैक में अभी हेलो ही कहा तो लाइट चले गई। तो अब आप चाहते क्या है? वही जाना क्या है, सीधी सीधी जो उसूल की बात है वो करने आए हैं। अच्छा देखिए, तकरीब में हम भी मदऊ थे, ये पापी भी मदऊ था। तो आप गुलुकार देखे, दोनों 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 धड़े थे उस फंक्शन में। तो जितने पैसे हुए हैं
लोगों की तरफ से जितना इनाम हुआ है उसको गिन के तो दोनों धड़ों में आधा आधा तकसीम कर दीजिए बस।